कॉफी मिक्स करने वाले हैं। इसके अंदर हमें कॉफी और चीनी और मिल्क डाला है, इससे हमें कॉफी बनाने वाले हैं। कॉफी को डालेंगे, कितनी अच्छी कॉफी बनी है देखिए, देखिए कितने अच्छा बना है ब्लेंडर, कितनी अच्छी कॉफी है देखिए। इस ब्लेंडर की बॉडी बनाने के लिए सबसे पहले हमें 40 mm डायमीटर का पीवीसी पाइप लेना है। ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं आपको कितने डायमीटर का लेना है। उसके बाद हम इसकी लेंथ रखेंगे 14 सेंटीमीटर पर, हम इसे कट कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ उस तरह से। उसके बाद हम इसे एक्स से कट कर लेंगे। आप हेक्सा ब्लेड से भी इसको कट कर सकते हैं, आपको ये 5 रुपये मार्केट में मिल जाएगी। देखिए मैंने इसे कट कर लिया है पीवीसी पाइप को, देखे। उसके बाद हमें चाहिए गियर मोटर, ये इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद हमें इसको बीच में रखना है, उसके बाद पाइप के बीच में एक हमें सेंटर में मार्क करना है। मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ उस तरीके से, देखे, ताकि हमारा ब्लेंडर इधर उधर हिले नहीं, इसलिए हमें इससे बॉडी बनाएंगे। तो उसके बाद हम इसके अंदर ड्रिल मशीन से होल करेंगे। आप किसी कैची से या कटर से भी इसके अंदर होल कर सकते हैं। मेरे पास ड्रिल मशीन है इसलिए मैं ड्रिल मशीन से कर रहा हूँ। देखिए मैंने इसके अंदर होल कर लिया है। उसके बाद हमें चाहिए एक स्विच, ये आपको मार्केट में साइंस प्रोडक्ट की शॉप पर 5 रुपये में मिल जाएगा। आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर आपको 10 रुपये में मिलेगा, लेकिन 5 से 10 रुपये में आपको मिल जाएगा। मार्केट में रेट कम ज़्यादा होती रहती है। उसके बाद हम इस पर मार्किंग करेंगे मार्कर से, देखिए स्विच के हिसाब से। उसके बाद हम इसे कटर से कट कर लेंगे। देखिए मैंने कर लिया है स्विच के हिसाब से, देखिए आपको स्विच बिठा कर देखना है कि ये बेटा बैठ रहा है क्या नहीं इसके अंदर, देखिए ये बिटा फिट आ रहा है एकदम। उसके बाद हम इसको सोल्डरिंग करेंगे मोटर पर, देखिए गियर मोटर पर। यहाँ पर मैंने पॉजिटिव वायर के लिए ग्रीन कलर की वायर रखी है और नेगेटिव के लिए येलो कलर की रखी है। आपको पॉजिटिव के लिए रेड वायर रखनी है और नेगेटिव के लिए ब्लैक वायर रखनी है। ये आपने आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कौन से भी कलर की वायर आप ले सकते हैं इसको वायरिंग लगा के लिए। देखिए ये इसकी पॉजिटिव वायर ग्रीन वाली और येलो वाली है नेगेटिव वायर, देखिए इसे सोल्डरिंग कर लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर जो होल किया था ना पीवीसी पाइप से, उसके अंदर हम इसे मोटर को लगाएंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से हम इसको ग्लू गन से चिपका लेंगे इस मोटर के अंदर, पाइप के अंदर। देखिए मैं इस वीडियो में ग्लू गन से चिपका रहा हूँ, आप इसे फेविक्विक से या इंस्टेंट ग्लू से भी चिपका सकते हैं। देखिए इसके अंदर हमें जहाँ पर हमने होल किया था उसके अंदर से हम इसे शाफ्ट लगा लेंगे, ताकि हमारा ब्लेंडर इधर उधर हिले नहीं, अच्छी तरह से काम करेगा ये। इस तरह से आपको चिपका लेना है पीवीसी पाइप के अंदर, देखिए इस तरह से। उसके बाद हमें पॉजिटिव वायर कट कर लेने हैं और उसके बीच में हम एक स्विच लगाएंगे। मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ उस टाइप से आपको कट कर लेने वायर। उसके बाद हमें इसके अंदर, उसके बाद जहाँ से हमने वायर छीन लेना उसके स्विच के एक तरफ से हम एक वायर कनेक्ट करेंगे। देखिए मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ उस टाइप से। उसके बाद स्विच की एक तरफ से हम दूसरी वाली वायर कनेक्ट करेंगे जहाँ पर हमने पॉजिटिव वायर कट किए हैं, ताकि हम जैसे इसको सप्लाई दे तो ये ऑन नहीं होगा, जैसे हम इसको स्विच को ऑन करेंगे तो ऑन होगा। इसलिए हमें स्विच लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना ये चालू ही रहेगा। उसके बाद उसके ऊपर हम सोल्डरिंग करेंगे जहाँ पर हमने वायर कनेक्ट किया है स्विच को। देखिए मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ उस टाइप से। यह आप सोल्डरिंग नहीं करते हैं तभी भी आपको चलेगा ये, सोल्डरिंग करने की क्या ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम उसके अंदर डालेंगे स्विच को, देखिए। उसके बाद हम दो वायर बाहर निकलेना है, इसके हम बैटरी के कनेक्शन करेंगे। उसके बाद हमें चाहिए कि यूएसबी केबल, हम इसे मोबाइल से भी चला सकते हैं और अपने मोबाइल के चार्जर से, इसलिए हमें चाहिए यूएसबी केबल, देखिए इस तरह से। देखिए उसके बाद हमें ग्रीन वायर को पॉजिटिव वायर कनेक्ट करने हैं। मैंने यहाँ पर ग्रीन वायर पॉजिटिव रखे और येलो वायर को हमें यूएसबी केबल की नेगेटिव वायर कनेक्ट कर दिए हैं, और इस टाइप से हमें कर लेना है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, देखिए देखिए ये येलो वाली नेगेटिव और ग्रीन वाली पॉजिटिव, देखिए इस टाइप से आपको कनेक्ट करना है। आपको उल्टा नहीं लगाना है वरना ये काम नहीं करेगा। देखिए उसके बाद हमें चाहिए एक ब्लेंडर,
जिससे हम करते हैं चीज़ों को, वो वाला ब्लेंडर देखिए आपको मार्केट में 30 रुपये में मिल जाएगा। मुझे भी ये 30 रुपये में मिल गए। देखिए इसका, उसके बाद हमें चाहिए एक स्टील की पाइप। देखिए मोटर के अंदर, शाफ्ट के अंदर एक होल होता है गियर मोटर की, उसके अंदर ये फिट आनी चाहिए। इस तरह से आपको कट कर लेनी है। ये साइकिल स्पोक है, इसको मैंने कट किया है। देखिए उसके बाद हम इसके पीछे का रबर निकालेंगे, उसके बाद हम इसके 20 सेंटर में एक होल करेंगे। देखिए मैं इसके अंदर एक छोटा सा होल कर रहा हूँ स्टील के पाइप के हिसाब से। देखिए इस टाइप से आप किसी कैंची से या कटर से भी कर सकते हैं इसके अंदर होल। देखिए ये फिट आना चाहिए एकदम, वरना ये निकल जाएगा ब्लेंडर अपने गियर मोटर से। देखिए उसके बाद हमें फेविक से चिपकाने वाले हैं इसको। देखिए आप ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं, या इंस्टेंट ग्लू से भी, या फेविक से भी। ये फेविक आपको 5 रुपये में मिल जाएगा मार्केट में। देखिए उसके बाद हम इसके अंदर लगाएंगे उल्टा। देखिए मैंने इसके अंदर लगा दिया और बाहर की तरफ इसकी स्टील की पाइप आनी चाहिए। उसके बाद हमें गियर मोटर के अंदर इसको लगा देना है। देखिए इस टाइप से, और आपको इसे दबाना है तो ये अंदर फिट आ जाएगा, ये निकलेगा नहीं। आपको इसे चिपकाने की ज़रूरत नहीं, वरना आपकी गियर मोटर ख़राब हो जाएगी। देखिए इस टाइप से। उसके बाद हमें चाहिए एक मोबाइल चार्जर, जिससे हम मोबाइल को अपने चार्ज करते हैं, जहाँ पर हम USB लगाते हैं उसके अंदर हम इसकी USB लगाएंगे। देखिए उसके बाद हमें इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगा देना है इसको। देखिए देखिए मैं आपको इसको चला कर दिखाता हूँ। अभी देखिए ब्लेंडर को किस तरह से काम करता है। देखिए अभी ऑफ है, ऑन है, यहाँ पर मैं स्विच से इसे ऑन ऑफ कर रहा हूँ। इस ब्लेंडर को मोबाइल से भी चला सकते हैं आपने। आप इस ब्लेंडर से कोई भी चीज़ को मिक्स कर सकते हैं, आपको हाथ से करने की ज़रूरत नहीं है। हम इस ब्लेंडर को आप मोबाइल से चलाएंगे, इसलिए हमें चाहिए छोटा OTG। ये आपको जहाँ पर कंप्यूटर मिलते हैं आपको जाना है, वहाँ पर आपको बोलना है कि हमें एक OTG दो, तो ये आपको 30 रुपये में मिल जाएगी OTG। इससे आप इस ब्लेंडर को चला सकते हैं लाइट जाने के बाद। देखिए सबसे पहले आप इसको इसके अंदर जोड़ देना है अपने मोबाइल के, उसके बाद इसको ये जोड़ेंगे हम USB। देखिए मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। देखिए लाइव प्रूफ है, मोबाइल से चल रहा है, इसे कोई भी बैटरी नहीं लगाई है मैंने इसके अंदर। देखिए ये मोबाइल से चलता है। इसे आप जब ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर भी आप अपने हाथ से कॉपी बना सकते हैं। आपको इसको चम्मच से ऐसे हिलाने की जरूरत नहीं है मिक्स करने की। आप अपने सीपी से स्विच से आप चला सकते हैं मोबाइल से भी। देखिए मोबाइल से ही चल रहा है अभी। देखिए इस तरह से हम इसे आप कॉपी मिक्स करेंगे मोबाइल से। मुझे इसे मोबाइल से जोड़ा है, देखिए हमारे ब्लेंडर को। देखिए अब हम इसे कॉपी बनाएंगे मोबाइल से, मोबाइल की पावर से। देखिए कितनी अच्छी तरह से मिक्स करता है कॉफी को। देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है कॉफी की। आप घर पर बना सकते हैं, बहुत चीप प्राइस में बन जाएगा आपका, ज़्यादा खर्चा भी नहीं है इसको। इसके अंदर मैंने गियर मोटर लगाई है, इसलिए ये बहुत पावरफुल है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस गियर मोटर की, उससे आप बना सकते हैं। और आपको एक USB केबल चाहिए और एक स्विच चाहिए। देखिए ये कॉपी अब बन गई है। अब हम इसको इस कप के अंदर डालेंगे। देखिए इस तरह से। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इस कप की। देखिए बहुत अच्छी लगती है कॉफी, मैंने इसे पीकर भी देखा है, इसलिए बहुत अच्छी है। और आप घर पर जरूर बनाना और मुझे कमेंट भी करना कि आपको ये कैसा लगा ब्लेंडर, और जरूर बनाना और मुझे बताना ये कैसी है कॉफी। देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप ये घर पर बना सकते हैं। और इससे आप लाइक भी कीजिए इस वीडियो को, और कमेंट भी कीजिए कि आपको ये कैसे लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो नहीं मिलेगी देखने को। इसलिए सब्सक्राइब कीजिए लाल बटन को, और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करो, ऑल कर जरूर सेट कीजिए, ताकि मेरी हर नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।